नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं राजेश, आपका अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड, और ये एग्जाम में 60 से 70% एग्जाम आपका हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 60 से 70% आपका एग्जाम हो चुका है, और कुछ ही 5 या 6 दिन और एग्जाम बचे हैं दोस्तों। और बस इसके बाद आपका जो है आंसर की, इसके बाद रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस के सबसे सटीक कटअप जो है इस वीडियो हम लोग जानेंगे दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइज के बाद यदि इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और इतने मार्क्स आने के बाद तो आपका टायर टू का तैयारी 100% शुरू कर दें। हाँ दोस्तों, जिन जिन स्टूडेंट अभी तक एग्जाम नहीं दिया है दोस्तों, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको मालूम चले कि कितने अटेम्प्ट करके आना है और मेरा रिजल्ट हो जाए। क्योंकि हम काफी स्टूडेंट के पास सर्वे करने के बाद ये आपको कटअप बताने वाले हैं फ्रेंड। ये सर्वे आपका जो कम्युनिटी पोस्ट कुछ ही दिनों पहले हमने डाले थे कि स्टूडेंट ने कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, तो काफी स्टूडेंट ने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, और उन्होंने बताया कि सर मैं इतना अटेम्प्ट किए हैं। और ये अटेम्प्ट करने के बाद ये कटअप निकाले दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइज। जानते हैं एसएससी में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ते नहीं है, 2 से 5 नंबर ही मार्क्स बढ़ते हैं स्टूडेंट, किसी किसी में तो 1 नंबर ही बढ़ते हैं। रेलवे जैसा 10 से 15 से 20 नंबर इसमें नहीं बढ़ाया जाता है दोस्तों। इस बार टीसीएस एग्जाम ले रही है, और इस बार की कोई करप्शन और कहीं से धांधली का भी खबर नहीं आया दोस्तों। तो चलिए, ये सब के ऊपर भी कटअप काफ़ी मायने रखता है। हाँ दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि एसएससी से संबंधित सबसे पहले न्यूज़ अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि पल पल की न्यूज़ आप तक पहुँचे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, बिना नहीं जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग टायर टू के एग्ज़ाम के बारे में इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा समय आपको एसएससी देगी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो है डेट देख लेते हैं, डेट ऑफ कंप्यूटर बेट एग्ज़ाम। देखिए 2 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, और 6 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाली दोस्तों। और डेट ऑफ टायर टू का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव जो होने वाले हैं उसका भी एग्ज़ाम दे चुका है। देखिए 17 नवंबर को आपका टायर टू को होगी, क्योंकि आपको मालूम है टीसीएस अपने एग्जाम टाइम टेबल पर ही एग्ज़ाम लेती है फ्रेंड, और इससे आगे पीछे कभी होगी ही नहीं। तो आपको मालूम 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगी, यानी कि देखो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट तक में आपका जो है टायर वन का रिजल्ट निकल जाएगी दोस्तों। और इसके बाद टायर टू के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा 17 नवंबर तक। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, यदि आप लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप लोग अच्छे अटेम्प्ट किए हैं तो। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग कटअप का वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि कितने कटअप में आप लोग सेव है, और जिन जिन स्टूडेंट आप अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं तो वो लोग भी आप लोग देख ले कितना आपको अटेम्प्ट करके आना है। देखिए फ्रेंड, जहाँ तक बात है कट ऑफ की फ्रेंड, तो कट ऑफ जो आपका जो है बहुत चीज़ पर निर्भर करता है, कितने स्टूडेंट ने आपका जो है एग्ज़ाम में दिया है, और आपका जो क्वेश्चन पेपर कैसा था नहीं था इसके ऊपर भी आपका क्या है। तो जानते हैं दोस्तों, इस बार जो आपका इजी, जी हाँ दोस्तों, इजी टू मॉडरेट आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग ही स्किप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो जहाँ तक बात है जनरल की कट ऑफ की दोस्तों, तो अब यदि आपके 68 से 73 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग टायर टू के स्टार्ट कर ले। यदि आप लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है 68 से 73 मार्क्स के बीच हम लोग को आ जाएंगे फ्रेंड, इससे 2-4 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइज के बाद इतने मार्क्स आपके 100% हो गएंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है दोस्तों, ना कि आपके ऐसे हैं। ओबीसी वाले के जो है, ओबीसी वाले आपके 63 से 68 आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग भी आपका टायर टू का एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें। क्योंकि जानते हैं जनरल और ओबीसी में ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है कटअप का दोस्तों, 2 से 4 मार्क्स का ही रहते हैं मार्जिन, क्योंकि ओबीसी वाले जनरल की कटअप को से भी ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा इस दोनों का मार्जिन नहीं रहने वाली है। एससी वाले जो है आपके जो 58, जी हाँ दोस्तों, 58 से 63 यदि मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आप लोग भी टायर टू की तैयारी करें, और इतने मार्क्स में आपको दोस्तों फाइनल कटअप तक आप जा सकते हैं। तो इतने यदि मार्क्स आपके आ रहे हैं, अब लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। एसटी वाले जो है 53 से 58 आपके मार्क्स यदि आ रहे हैं तो 100% आप भी टायर टू की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो ये आप एक्सपेक्टेड कट है, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि सर मेरे इतने मार्क्स सही है, इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने सही है, इतने गलती है। क्योंकि स्टूडेंट ने आने के बाद तो मालूम है, स्टूडेंट से पूछ पूछ के मालूम कर लेते हैं कि क्या हमने गलती किया है, क्या सही किया है फ्रेंड। तो इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। हाँ फ्रेंड,
हाँ दोस्तों आपसे एक बात बताएंगे, कट ऑफ पार करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपका नौकरी लगेगी, इसलिए आप लोग कट ऑफ के लिए नहीं पढ़े, आपको नौकरी के लिए पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह कि जॉब करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जॉब करना है, ना कि आपको सिर्फ कट ऑफ पार करके टायर टू का एग्जाम में बैठना है। इसलिए जिस दिन स्टूडेंट ने आपके तक एग्जाम नहीं दिया, तो ऐसा करें कि इतना अटेम्प्ट करके लाएं सही सही, जो भी मारे गलती नहीं मारे दोस्तों, क्योंकि गलत मारने के बाद आपका रॉन्ग हो जाता है और आपका नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो भी मारे सही मारे और रॉन्ग एकदम ना मारे, ताकि आप लोग का रिजल्ट हो दोस्तों। कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होता है, फिर लास्ट में आपका मेरिट बनी के आप वहीं से छट जाइएगा, इसलिए अभी ही छट जाइए, इतना मारिए ताकि फॉरन मेरिट तक आपका नाम आए और आपका जॉब लग जाए, यही बोलने वाले थे दोस्तों। और इतने ही आपका जो है स्टूडेंट ने बताया कि इतने इतने आपके मार्क्स मेरे आए हैं फ्रेंड, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगी। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।